नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, हस्तमैथुन नहीं करेंगे तो लिंग छोटा हो जाएगा। यह सवाल मेरी हर वीडियो में लगातार आ रहा था, पर हमने इसके बारे में ना तो सोचा था और ना ही कोई रिसर्च करी थी, लेकिन आज की यह वीडियो रिसर्च अच्छे से करके बनाया गया है। बहुत से नौजवान इस वीडियो से फायदा उठाएंगे और कुछ डिसलाइक करके बेकार बताकर हस्तमैथुन करके सो जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नौजवान ने सवाल पूछा कि अगर हम हस्तमैथुन नहीं करेंगे तो लिंग छोटा हो जाएगा, हमने पूछा ऐसा क्यों? वो उत्तर देता है, अगर लिंग की कसरत करते रहेंगे, उसे आगे पीछे करते रहेंगे, तभी तो वो खींच खींच कर बड़ा होगा, लेकिन अगर ऐसा ना करें और उसे सुप्त अवस्था में ही रखें तो वो छोटा होता रहता है। हमने कहा, यह आपकी गलत अवधारणा है, ऐसा नहीं होता। फिर वो कहता है, देखो जो जिम करते हैं, बाइसेप चेस्ट बनाते हैं, उनकी वही चीज़ ग्रो होती है। अगर थाइज एब्स की एक्सरसाइज ना करें तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसे ही हस्तमैथुन ना करें तो लिंग छोटा रह जाता है। ऐसी ही बात बहुत सारे नौजवान अपने ब्रह्मचारी भाइयों को भटकाने के लिए कहते रहते हैं, और कोई भी अगर ऐसा ही सोचता है तो वो भी इसका उत्तर सुने। ईश्वर ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि इसका विकास ऑटोमेटिक होता है। अगर आप खाना अच्छा खाओगे तब भी आपके शरीर का विकास होगा, अगर आप खाना नॉर्मल खाओगे तब भी आपके शरीर का विकास होगा, इसका विकास रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारा लिंग है, इसका विकास भी ऑटोमेटिक होगा, रुकने वाला नहीं है। दूसरी बात, जब आप अपनी माता की गोद में थे, क्या तब से ही आप हस्तमैथुन कर रही हैं? नहीं ना, हस्तमैथुन तो आपने 10, 11, 15 उम्र की आके के बाद शुरू किया है। फिर भी हमारा लिंग बचपन से 10, 12 साल की उम्र तक विकास ऑटोमेटिक हो रहा है, यह तो कभी रुका नहीं। नौजवान, आपने तो यह कहा था कि हस्तमैथुन करने से ही बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, यह आपकी बात गलत साबित हुई। तीसरी बात, हमारे शरीर के बाल नाखून अपने आप विकास कर रहे हैं। अगर आप कहें कि बालों को तो हम कंघे से बहाते या बनाते हैं तभी ग्रो होते हैं, और शैम्पू व साबुन भी लगाते हैं जिससे बढ़ते हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर आप बालों को ना भी बनाओ या ना भी शैम्पू व साबुन लगाओ तो भी निरंतर बढ़ते रहेंगे। यकीन ना हो तो साधुओं को देख लो, वो कभी बहाते भी नहीं और ना ही शैम्पू या साबुन लगाते हैं, और तेल भी नहीं लगाते, लेकिन देखो फिर भी कितने लंबे लंबे बाल हैं। आपका तो कहना था कि कुछ करते हैं तभी बढ़ते हैं, नहीं वो भी बात गलत है। ऐसा ही दोस्तों हमारा लिंग है, बिना कुछ करे वो ग्रो होता है। चौथी बात करते हैं, आपके शरीर पर कहीं चोट लगती है तो वहाँ से खाल छिल जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही नई खाल आ जाती है या नई तब छा जाती है। कहीं आप ऐसा तो नहीं करते कि उसे खींच खींच कर बढ़ाते हो, लंबा करते हो? नहीं ना, उसका विकास खुद हो रहा है। ऐसे ही हमारा लिंग है, इसका विकास खुद होता है। आप 2 मिनट के आनंद के लिए इतने बहाने बनाते हो, इतने तर्क अपने पक्ष में देते हो। हाँ एक बात और बता दूँ, हस्तमैथुन करने से लिंग टेढ़ा मेढ़ा जरूर हो जाता है। आज की इस वीडियो से बहुत सारे नौजवानों का भ्रम दूर हो चुका होगा। जो इतनी बताई हुई बातों को समझेगा, अपनी बुद्धि से विचार करेगा, तभी सही गलत का फैसला ले पाएगा, और जो अब भी गलत सलाह समझेगा वो लाभ नहीं हानि ही उठाएगा। हस्तमैथुन कर करके अपने शरीर का नाश ही करेगा। हस्तमैथुन या वीर्यनाश से क्या क्या नुकसान है आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक में देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हस्तमैथुन जितनी जल्दी छोड़ दो उतना ही बढ़िया है, जितना लेट करोगे उतना ही हानि उठाओगे। दोस्तों यह वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जो आपके ऐसी गलत सलत बात बताते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब ऐसे गलत सोचने वाले नौजवान हमारी बताई गई हुई बातों को समझेंगे और हस्तमैथुन छोड़ देंगे। दोस्तों यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत से नौजवान यही कहते रहते हैं आज भी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो समझ गया तो समझ गया, और जो नहीं समझा तो वो रह गया। दोस्तों अंत में कहता हूँ, हस्तमैथुन करने से हमारा लिंग कोई बड़ा बूढ़ा नहीं होता, ये केवल एक बहाने हैं लोगों के अपने पक्ष में तर्क लेने के, बिल्कुल गलत बात है उनकी, और मैंने आपको अच्छे समझाया भी है। तो बताओ दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, किसी का कोई प्रश्न तो कमेंट करके जरूर पूछना।